Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा ये आई थिंक ये बहुत बड़ी याद है आई थिंक हम सबके बचपन की ये जो करते थे ये जैसे स्ट्रॉ में ये लगा के फिर हम कलर भी करते थे आई रिमेम्बर अपना खुद का बनाते थे झंडा और हमेशा कंफ्यूजन होती थी कि ऑरेंज ऊपर है मतलब सैफ्रन ऊपर है नीचे है ग्रीन कहाँ पर है इट वॉज ऑलवेज अ मिस्टेक एंड ऑल्सो दोज बैजेस जो हमको मिलते थे वो लगा के घूमने को मिलते थे दोज वर फन मतलब दोज आर द मेमोरीज एंड आई थिंक उस दिन छुट्टी होती थी तो वो छुट्टी जो इन्जॉय करने का और आगे पीछे उसके यू नो देयर वाज स्पोर्ट्स डे हमेशा स्पोर्ट्स डे इसी के आसपास प्लान्ड होता सो आई थिंक दोज आर द मेमोरीज आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड ऑब्वियसली फ्लैग होस्टिंग तो होती है जिसके लिए तब ऐसा लगता था क्यों उठा को क्यों उठ के जाए बंदा बट वी यूज टू गो एंड इन्जॉय दैट यू नो इन अ डिफरेंट वे सो या रिपब्लिक डे के टाइम पे तो एक ही चीज़ याद आती है मुझे स्कूल टाइम बिकॉज स्कूल हमारा स्पोर्ट्स कंपटीशन होता था स्कूल के टाइम पे एथलेटिक्स फिर उससे पहले सबसे पहले हम लोग सब बच्चे लोग जाते थे टीचर्स प्रिंसिपल सब लोग फ्लैग होस्टिंग होता था नेशनल एंथम गाते थे हम लोग एंड उसके बाद कॉम्पिटिशन्स होता था और उसमें मैं जीतता था तो मेरे लिए रिपब्लिक डे वो मेमरी सबसे स्पेशल है हमेशा रहेगी मेरी तो ये है कि 26 को छुट्टी मिलती थी स्कूल में स्कूल से सो मैं घर पे सोती थी और कुछ नहीं करती थी बट बिल्डिंग में यू नो देयर वाज ऑल दीज रनिंग कंपटीशन डांसिंग तो उसमें आई शुड टेक पार्ट एंड उसमें बड़ा मज़ा आता था तो इट वाज लाइक अ फन डे मतलब इट वाज रोलर कोस्टर डे तो आई यूज टू इन्जॉय हमारे क्या होता था हमारे भी छुट्टी होती थी तो हम सारे कॉलोनी के दोस्त प्लान बनाते थे सुबह उठ के क्रिकेट खेलना है और थ्रू आउट खेलते रहना उस तक जब तक हम झंडा लहराने नहीं जाते तो मैचेस लगते थे प्रॉपर आई थिंक बचपन में हम हर छोटी चीज़ से एक्साइटेड होते थे एंड आई रिमेंबर पैकेट मिलता था और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी इट वॉज जस्ट नॉट चॉकलेट्स बट आई थिंक बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलती थी उसमें बैज वो मिलता था आई थिंक दैट वॉज द सीक्रेट आई थिंक बहुत सालों तक तो मैंने वो बैजेस संभाल संभाल के रखे थे बिकॉज मी एंड माई ब्रदर यूज टू कलेक्ट दोज बैजेस सो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था अब फॉर अस नाउ ऑल्सो वी गेट हॉलीडे ऑन दिस डे सो या आई एम एक्साइटेड स्टिल द चाइल्ड इज देयर इन मी 50 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए एंड आई एम रियली हैप्पी लोगों को पसंद आया है एंड आई एम रियली ग्लैड दैट लोग देख रहे हैं शो और प्यार बांट रहे हैं प्यार दे रहे हैं हमें तो इट्स गुड बहुत ज़्यादा यार वहाँ पे सब क्योंकि सब ऐसे वो होते थे चैलेंजेस होते थे कि आप इंडिया का फ्लैग बन के आओ कुछ ड्राइंग बनाओ कि कुछ अच्छा क्रिएटिव करो तो रात एक दिन पहले से ही सब डिसाइड करती थी मैं कि ये बनाऊँगी वो बनाऊँगी जीतती नहीं थी वो अलग बात है बट सब करती तो थी तो मज़ा आता था अपना समटाइम्स हाफ डे होता था तो क्या होता था कि हम पीरियड्स वगैरह स्किप मार के हम सिर्फ सोचते थे कि छुट्टी हो जाए जल्दी घर जाएँ और 2 बजे तक नहीं पढ़ना पड़ता था जल्दी छुट्टी होती थी तो वो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा मज़ा आता था शो अच्छा चल रहा है इनफैक्ट शो अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ सो आई एम एंजॉयिंग दिस शो थरली सो या दैट्स अ ग्रेट थिंग मैं आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा आप 26 जनवरी सेफ रहें घर में रहें और अच्छे से तिरंगा लहराएं और वंदे मातरम बस वंदे मातरम गाइस स्टे सेफ घर पे रहो एंजॉय करो नेशनल एंथम गाओ एंड बस खुश रहो लाइफ में मुझे पता नहीं मैं क्या बोलना चाहती हूँ बट मेरे दिल से दुआ है कि सब खुश रहे और बस एक चीज और बोलना चाहेंगे और 10 बजे रात को सोनी पे धड़कन जिंदगी की बिकॉज थैंक यू सो मच सोनी पे वेयर यू नो एंजॉय दिस डे एंड फील फ्री एंड फील इंडिपेंडेंट